अगली खबर आ रही है इंदौर से, जहां 14,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जिसके चलते वे पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के समर्थन में शनिवार को युवक कांग्रेस उतरी। युवक कांग्रेस ने स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाल कर प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सुबह 10 बजे हर सिद्धि मंदिर के पास इकट्ठा हुए। इसके बाद उनकी रैली यहां से कलेक्टर कार्यालय के लिए निकली। कलेक्ट्रेट में पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात था। पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया, जिसके बाद वे स्टूडेंट्स के साथ बैरिकेड्स के नजदीक ही बैठ गए। इसके कुछ देर बाद उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष निखिल वर्मा बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर उसे हटाने लगे। वर्मा के साथ अन्य नेता भी बैरिकेड्स पर चढ़ने लगे तो पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। वर्मा ने कहा कि 2 साल से भांजे भांजियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है, इस वजह से स्टूडेंट शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। शिक्षा का मूल अधिकार छीन लिया गया है, छात्रों की आवाज सुनी नहीं जा रही है। वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि 20 से 25 दिनों में छात्रवृत्ति नहीं आई तो इसके भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान युवक कांग्रेस नेता पिंटू जोशी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र मौजूद थे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।